बात जैसी नजर चीते जैसी फुर्ती। G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो दस्ता हुआ तैयार, दी गई है स्पेशल ट्रेनिंग। दरअसल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र G20 समिट की मेजबानी करने जा रहा है, जिसके चलते हिंदुस्तान में काफी तादाद में राजनेता पहुंचने वाले हैं विदेशों से, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखी जाएगी। और ये मेरे सामने आप 19 महिला कमांडो देख रहे हैं, इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, जो कि मध्य प्रदेश से ट्रेनिंग लेकर यहां पर आई हैं। इन्हें अति आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, साथ ही बम डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग दी गई है, जो ऊंची इमारतें हैं उन पर कैसे चढ़ा जाए, उनसे कैसे उतरा जाए, इस पूरी ट्रेनिंग को इन्होंने कंप्लीट किया है। तो इस वक्त ये महिला कमांडो जो आप देख रहे हैं, इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, और जो होटल्स होंगे उसके आसपास इन्हें तैनात किया जाएगा। स्नाइपर्स जो है ये एक्सपर्ट हैं, किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी ट्रेनिंग इन्हें मिली हुई है। सीधे बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? सर किरण। किरण, आपने ट्रेनिंग की है मध्य प्रदेश से, कितने हफ्ते की ट्रेनिंग चली है आपकी और क्या क्या ट्रेनिंग में दिया गया आपको, क्या क्या बताया गया? सर हमारी 4 वीक की ट्रेनिंग हुई है और ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। डिफरेंट डिफरेंट वेपन से और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से हमें ट्रेनिंग कराई गई है, और डिफरेंट बहुत ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, और सभी तरीके से हमें ड्यूटी के बारे में और कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है उस बारे में हमें सब ट्रेन किया गया है। ऊंची इमारतों पर किस तरह से निगरानी रखनी है, क्या ये ट्रेनिंग में आपको बताया गया है, और साथ ही क्या इमारतों पर कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, ये पूरा हिस्सा रहा आपकी ट्रेनिंग का? हाँ जी सर, ट्रेनिंग के दौरान ये स्लैदरिंग, रैपलिंग, क्लाइंबिंग सब कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है, कहीं से भी आतंकवादी आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार किया गया है। अगर आपको हेलीकॉप्टर से कैसे भी स्लैदरिंग करके उनको यूटिलाइज करना है तो उस चीज के लिए हम ट्रेंड है सर। बंदूकों को कैसे छुड़ाया जाए इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी? हाँ जी सर, इसकी भी ट्रेनिंग। बताया गया है कि आपको जो है सटीक निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी गई है, तो किस तरह की ट्रेनिंग आपकी रही और आपको जिस तरह से तैनात किया जाएगा, तो किस तरह के चैलेंज आपके सामने रहने वाले हैं? सर जैसे अभी G20 में हमारे जो 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं, उनकी सेफ्टी को, तो हमें उस तरीके से तैनात किया जाएगा। जैसे कोई एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है और कोई भी सस्पेक्ट हमें दिखता है, तो उसको कैसे हमें सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे मतलब टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है, वो सब चीज़ें हमें सिखाई गई है ट्रेनिंग में। करीब 4 हफ्ते की ट्रेनिंग चली है आपकी। जी सर। तो हम डिफ्यूज करने की भी ट्रेनिंग दी गई है आपको? जी सर। तो देख सकते हैं कि महिला दस्ता है, ये 19 महिला कमांडो हैं जो कि होटल्स के आसपास तैनात रहेंगे, हर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से ये लोग तैयार हैं। क्या नाम है आपका? सर सपना शर्मा। सपना जी, किस तरह की ट्रेनिंग आपकी रही और कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट, यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, और ट्रेनिंग सर हमारी बहुत अच्छी रही है, बहुत इंटरेस्टिंग रही है, एडवांस रही है। क्या क्या पार्ट रहा ट्रेनिंग का आपका? सर ट्रेनिंग पार्ट में जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं, वेपन्स एक्टिविटीज़ सिखलाइयाँ, क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं, लगातार क्लासेस चलती रहती हैं। तो महिला कमांडो दस्ता आपके ठीक सामने मौजूद है, जिस तरह से भारत G20 समिट की मेज़बानी करने जा रहा है उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, तो वहीं सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाने की तैयारियां की जा रही है। लगातार ट्रेनिंग का दौर जारी है, काफ़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की जाएगी। इन जो महिला दस्ता आप देख रहे हैं, इन्हें NSG और साथ ही सेना के जवानों के तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई है, यानी कि हर तरीके से ये पूरी तरह से सक्षम है और हर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कमिश्नर मनीष के साथ विवेक शर्मा, TV9।